बैक फ्रेंड्स, सीआरएम मॉड्यूल के ऊपर ही सेशन रहने वाला है। बात करेंगे अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। सो पहले शुरुआत करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरएम मॉड्यूल्स की, आखिर ये होते क्या हैं। दो क्वेश्चन का प्राइमरीली आंसर इस सेशन के थ्रू दिया जाएगा। पहला, व्हाट एग्जैक्टली आर द सीआरएम मॉड्यूल्स, एंड द सेकेंड वन इज व्हाई डू फर्म्स एक्चुअली नीड देम, राइट। सो बेसिकली ये जो सीआरएम का प्रोसेस है वो मार्केटिंग से शुरू होता है, सेल्स तक जाता है, और सेल्स के बाद पोस्ट सेल्स सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, वो भी इंक्लूड करता है। एक बार कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो फोकस अब शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन और फ्यूचर में उसको रिटेन करके रखने के लिए। तो इस पूरे सिस्टम में देर आर अ लॉट ऑफ यू नो सेवरल मूविंग पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व्ड। फॉर इंस्टेंस, देर इज वेबसाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आजकल किसी प्रोडक्ट की सेलिंग में। फॉर्म्स अगर कुछ डिजाइन करने पड़े तो, सर्टेन मीटिंग शेड्यूलर्स विच आर टू बी शेड्यूल्ड, ईमेलिंग प्रोसेस, एंड ऑफकोर्स द सपोर्ट टीम एंड द सपोर्ट प्रोसेस। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट यहाँ पर दे टेक पार्ट इन दिस एक्शन। बेसिकली सी आर एम अलोन कैन नॉट डू इट ऑल। So that is the reason why we have got CRM modules. Now what are these modules? They are nothing but applications that connect with the CRM and enhance the value that the companies generate from them. So basically ये apps हैं, download करके आप इनको अपने CRM software के साथ उसको connect कर लीजिए, and then जो भी आप processing कर रहे होंगे उसकी efficiency को ये modules या ये apps enhance कर देंगे। राइट, कितने तरीके के, कितने टाइप्स के सीआरएम मॉड्यूल्स हो सकते हैं, इस पर एक हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सीआरएम मॉड्यूल्स की अगर बात करें तो लीड्स नाम का एक इनका सीआरएम मॉड्यूल है, देन इज मार्केटिंग, वर्क फ्लोज, एप्स मार्केटप्लेस, रिपोर्ट्स एंड कंटेंट रिपोजिटरी। सो वील जस्ट हैव अ क्विक लुक एट ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट इज सीआरएम मॉड्यूल वन, दैट इज लीड्स। तो बेसिकली वी ऑल एग्री अपॉन वन थिंग कि कस्टमर जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इस मॉड्यूल के अंदर बेसिकली ये करता क्या है, दिस ऐप और दिस मॉड्यूल, इट कीप्स डेटा ऑफ ऑल द कस्टमर्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। फायदा क्या होगा, जब सारा डेटा एक जगह एक्यूमुलेटेड हो जाएगा तो सेल्स मैनेजर के लिए इट वुड बी वेरी इजी टू क्विकली एनालाइज द करंट सेल्स ऑपरेशंस एंड ऑल्सो टू लुक इनटू द केस वेयर any kind of modification is required. तो इसका काम बस ये है कि ये सारा leads का लेकर, जो भी customers का लेकर जो data है उसे एक जगह compile करके रखेगा so as to present it as and when required by the manager. Second जो CRM module है, जो CRM application है, that is CRM module 2 is marketing. So marketing module का basically काम क्या है, जितने भी previous email marketing campaigns हैं या और बाकी campaigns है, उन सब की डिटेल्स ये अपने पास स्टोर करके रखेगा। ना सिर्फ इतना बल्कि ये भी कि प्रीवियस मार्केटिंग कैंपेन्स जो थे उनका रिजल्ट क्या रहा, आई मीन व्हाट वाज द रिस्पांस फ्रॉम द पीपल्स एंड वेदर दे लव्ड इट, दे लाइक्ड इट और दे डिस्पाइज्ड इट। तो एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर, राइट। और प्लस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट अलाउज टू यू नो टू क्रिएट न्यू ईमेल कैंपेन्स After analyzing the previous response as well, उनके basis पर आगे वाले future में जो email campaigns हैं और marketing campaigns हैं उनको create करने में भी ये assist करता है। Next CRM module is workflows, which basically helps to automate the sales process. Sales का जो पूरा process है उसे ये automate कर देगा, यानी कोई नई lead अगर आई है उसे automatically किसी sales person को assign कर देगा। उसके बाद if और else condition भी यहाँ पर ये लगाने में help करता है। Suppose अगर कोई नई lead है, हमारे हमें कोई information मिली उसके बारे में और अब वो follow-up call को pick नहीं कर रहा, तो maybe it can set a task कि maybe follow it up after say 3 days. It can vary as per the company policy. उसका कन्वर्सली एक और चीज है कि अगर कॉल पिक कर लिया है, इंटरेस्ट शो कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रोस्पेक्ट, तो ये फर्दर उसको ईमेल भेजना, डिटेल्स की मेल कर देना प्रोडक्ट की, प्लस और तरीके का फॉलो अप, इट कैन डू इट ऑटोमेटिकली। सो इट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल मॉड्यूल ओवर हियर। देन वी हैव गॉट एप्स मार्केट प्लेस, सीआरएम मॉड्यूल 4,
this particular module basically provides options of different apps which you can download separately from various platforms and integrate it with the current CRM software like Facebook, JustDial, etc. Purpose yahan par kya hai? Idea behind this is to enable data transferring. Or data kaun sa? Various leads from different applications. They can derive leads from Facebook, JustDial, etc. और उन सब इंफॉर्मेशन को एक कलेक्शन कर देता है उसका एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर फॉर ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी. सीआरएम मॉड्यूल 5 इज रिपोर्ट्स. एज द नेम सजेस्ट, इस ऐप का काम क्या होगा? दिस मॉड्यूल बेसिकली इट गैदर्स रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और उनको प्रेजेंट कर देगा एक सिंगल जगह पर. डिफरेंट कैटेगरीज, व्हेन आई से डिफरेंट कैटेगरीज, इट मींस मे बी देयर आर सम सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, सर्टेन फील्ड सेल्स रिपोर्ट्स, कस्टमर एनालिटिक्स एंड मेनी मोर. सो ऑल दीज रिपोर्ट्स कैन बी कंपाइल्ड ओवर हियर. सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा. यहाँ से द मैनेजर्स कैन फाइंड ऑल द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एंटायर सीआरएम और द सेल्स प्रोसेस. एंड the last one is content repository, that is CRM module number 6, which is the last module which we want to discuss. So content repository mein basically hai kya, jitne bhi CRM software ke andar koi aapka images hain, documents hain, un sab ko ye gather kar lega, right? Aur easily accessible hoga jab bhi managers ko zarurat pade. To aap idhar udhar dhoondne ki zarurat nahi hai. All the documents will be found in one this single module, that is content repository. To jab bhi zarurat ho, bahut टाइम बचता है यहाँ पर, कंफ्यूजन हट जाती है कि कहाँ पर जाकर कौन सा डेटा जाकर सर्च करें. सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस कैन बी फाउंड इन वन सिंगल क्लिक इन दिस कंटेंट रिपोजिटरी, नो मैटर वो ओरिजिनली कहाँ पर स्टोर्ड है. उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर भी उस इमेज या डॉक्यूमेंट स्टोर्ड होगा वहां से इट विल रिट्रीव. सो दैट वॉज ऑल रिगार्डिंग द CRM मॉड्यूल्स. विल बी कंटिन्यूइंग इन upcoming sessions, the discussion of CRM. Thank you so much.